धारणा के लिए सार, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। अगर जो दान नहीं करते तो क्या कहेंगे? कंजूस। दूसरा चोर, तो ज्यादा खतरनाक हो गया। बाबा ने वैसे इससे भी सख्त शब्द बोला है। और बताओ, कंजूस तो चलो ठीक है, और बाबा ने एक बार कौन सा शब्द बोला था, याद है? बाबा ने मनहूस बोला था। मनहूस कहते ऐसे भी मनहूस हैं जो इतना कुछ होते हुए भी किसी के हाथ से कई बार छूटता भी नहीं ना। तो मनहूस भी नहीं बनना है, दान देना है, और खुले दिल से। राजा का मतलब क्या होता है? हर चीज खुले दिल से। अगर आप गिनतियों में दोगे ना, ऐसे ऐसे कर, तो गिनतियों में ही आएगा। गिनतियों में दोगे, गिनतियों में आएगा। और जब दिल होता है बड़ा, किंग साइज, दिल किंग साइज है, कुमारता भी किंग साइज, पराग दिल, विशाल हृदय, पूरे संसार को कवर करे। बाबा ने हमें बेहद का शब्द दिया, तुम हदों में बंद के नहीं। अगर तुम्हारी सोच भी हो तो ग्लोबल है। हमारी सोच कैसी है? सारे विश्व की, ग्लोबल विलेज। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। कहते ना, कन्या वो जो 21 कुल तारे, और सबकी याद भुलाकर एक बाबा को। जो बाबा के साथ तीन मुख्य रिश्ते कौन से हैं? बाप, टीचर, सतगुरु। और कौन कौन से हैं? वैसे सर्व संबंध है, लेकिन इसमें एक रस वाला है, वो कौन सा है? साजन सजनी वाला, ऐसे ना? सजना है मुझे, सजना है मुझे, तो भगवान आके खुद ही श्रृंगार करता है ना। तो फादर बावन का वो सत्य पिता है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। सतगुरु शब्द है, बाकी दुनिया के जितने भी गुरु हैं वो लिमिट्स में, हर एक का अपना अपना एक दायरा है, लेकिन भगवान का दायरा व्यापक है, इसलिए सर्वव्यापक भी बोल देते। सतगुरु के रूप से याद करना। चलो वरदान लेते हैं सभी। सिर पे अपने हाथ रखेंगे, दायां हाथ, और ऐसे समझना है कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, वरद हस्त, और मैं भगवान से वरदान लेने वाली आत्मा हूँ, और मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। रूहानी नशे द्वारा, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, रूहानी नशे द्वारा, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले, समाप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव, इसी नशे में रहना है। बावन का रूहानी नशे द्वारा, मतलब कौन सा नशे में रहना है? रूहानी हम सब किस में रहते हैं? जिस्मानी नशे, दुनियावी नशे। किसी पे धन ज्यादा है उसका नशा है, किसी का रूप सुंदर है उसका नशा है, दुनियावी नशे बहुत हैं। पद पोजीशन का नशा है, डिग्रियों का नशा है। बाबा कहते हैं इन सबको साइड पे करो, रूहानी नशे में रहो, क्योंकि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नशा चाहिए। और उससे क्या होगा वो भी बाबा ने बताया कि दुख अशांति का नामो निशान खत्म हो जाएगा, और आप सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना, इसका अभ्यास कम होता है, खुद
खुद को कई बार समझ लेता है इंसान, लेकिन सामने वाले को आत्म दर्शन नहीं कर पाता, आत्म दृष्टि नहीं हो पाती, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति नहीं हो पाती। हम उन्हीं रिश्तों में फटाफट डूब जाते हैं, जैसे शक्ल देखेंगे तो हमें वो आएगी याद, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मासी है, ये बुआ मासी कोई है नहीं, ये सब क्या है, बुलबुले हैं, बुलबुले। चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना, इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब जो है दुख दूर हो जाते हैं, दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहता। देखो ज्ञान में आने के बाद ना आपको यही है, कैसे पता लगे आप ज्ञान में हो, कैसे पता लगे, अंदर से खुशी सी अपने आप होती है और हमेशा शांत मन बहुत शांत रहेंगे, गुस्सा को नहीं करेंगे और पत्तियां आने पर बताओ आप गौरी की मम्मी रंग से रंग रोए परवाह नहीं कोई, बिल्कुल बहुत बड़ी अवस्था लंदी धन जी हमेशा खुश रहे, हर हाल में खुशहाल, हर हाल में खुशहाल और मस्त चाल, खुशहाल और फरिश्तों वाली चाल, एंजेलिक वॉक वो होनी चाहिए, और उसी नशे में अपना रहना चाहिए, डूब के रहना चाहिए, दुख शांति का नाम निशान नहीं रहता। सबसे बड़ी बात होती है वो मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि, ये सारे एक सम हो जाते हैं। आपको कोई गाली दे, योगी जी थे ना बरेली, वो बहुत बढ़िया बात बोलते थे, कहते आपको कोई गाली दे या आपकी निंदा करे, आपको क्रिटिसाइज करे, और आपको अंदर ना जरा भी फीलिंग ना और बल्कि ठंड पड़ जाए, होता उल्टा है ना, पंजाबी में कहते फट पै गया, ठंड तो नहीं पड़ती लेकिन वो है कि बड़ी बार तरस आता है मोस्टली। हाँ ये होता है कि भी जैसे जीसस ने कहा कि भी खुदा इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या, ये क्या कर रहे हैं, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम 90% तरस आ रहा होता है कि भी सामने वाला बेचारा कितना अनअवेयर है, किसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। एक ये भी स्थिति है, और फिर लास्ट की जो स्थिति है बीज रूप अवस्था जिसको बाबा कहते हैं, वहाँ पे फिर कुछ भी रहता नहीं है। ये भी थोड़ा हम लोग जो रहम की, करुणा की या एम्पैथी की जो हम भावना में रहते हैं, ये भी एक लेवल तक है, ये भी पुण्य कर्मों से जुड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं कि दुख अशांति की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अपवित्रता से। पवित्रता के दो बच्चे हैं, एक सुख बेटे का नाम है और शांति बेटी का नाम, तो जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति अवश्य होगी, जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई, जैसे सतयुग है या स्वर्ग है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती जहाँ पवित्रता है। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है, जो पावन आत्माएं हैं मतलब उनके अंदर उनकी नजर, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी कृति सब कुछ अलग ही होगा। गाय की आंख देखी कभी ध्यान से, कितनी निर्दोष, हिरण की देखो कितनी निर्दोष, इनोसेंस। तो ऐसे हो जाते हैं महापुरुष जो होते हैं ना, अंत में उनकी आंखें देखो ना, बिल्कुल निर्दोष आंखें होती, हर चीज से मुक्त, बिल्कुल साफ सुथरी आंख। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है, वही निर्विघ्न है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। तो अल्टीमेटली अब क्या बचता है,
एक ही काम बचता है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। और तेरे काम जितने मर्जी कर लो दुनिया भर, कहीं काम नहीं आने वाले, एक ही चीज काम में आनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्म प्रभु की याद है, और कोई नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, और इसी से कल्याण है, और कोई किसी चीज से कल्याण भी होना नहीं है। केवल ज्ञान से भी कल्याण नहीं होना, केवल ज्ञान से भी कल्याण नहीं होना। तो आपको भगवत स्वरूप बनना होगा। अंततः क्या है, गॉड शुड रिफ्लेक्ट थ्रू यू, आप भगवान के प्रतिनिधि हो जाएं, करण करावन, वो अपने आप आपके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। आप सब क्या बन जाओगे, अवतार बन जाओगे। क्या बन जाओगे, भगवान ने कहा ना तुम सब अवतार, छोटे छोटे भगवान, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबारे की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।